खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। लोगों को शुद्ध सोने के आभूषण मिले, इसके लिए भारत सरकार ने 16 जून से देश में हॉलमार्किंग पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल देश के 256 जिलों में यह कानून लागू हुआ है, लेकिन छोटे शहरों में फिलहाल इस कानून से छूट दी गई है। यही सुविधा छोटे छोटे शहर के सराफा व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि छोटे शहरों के आभूषण व्यापारी फिलहाल हॉलमार्किंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं और यह लोग आभूषण खरीदने बड़े व्यापारियों के पास जाते हैं, तो वहां उन्हें हॉलमार्किंग वाले आभूषण खरीदने के लिए हॉलमार्किंग पंजीयन मांगा जाता है। इसी विसंगति के कारण खंडवा का सराफा बाजार चौपट हो गया है। इन व्यापारियों ने सरकार से छोटे जिलों के व्यापारियों को हॉलमार्क पंजीयन से राहत देने की मांग की है। केंद्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो ने 16 जून से देश के 256 जिलों में हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषण बेचना अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल छोटे जिलों को पंजीयन से थोड़ी राहत दी गई है, यही राहत परेशानियों का कारण बन गई है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर बनाए गए हैं। जब छोटे जिलों का व्यापारी बड़े जिलों में माल खरीदने जाता है, तो व्यापारी सिर्फ हॉलमार्किंग रजिस्टर्ड व्यापारियों को ही माल देते हैं। ऐसे में खंडवा के व्यापारी जो फिलहाल हॉलमार्किंग कानून में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, उन्हें माल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में खंडवा जैसे छोटे शहरों के व्यापारी पुराने सोने को गलाकर आभूषण बना रहे हैं। जब इनके पास ग्राहक हॉलमार्किंग वाला आभूषण की डिमांड करता है, तब इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता। यह लोग हॉलमार्किंग वाला माल भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश में सिर्फ 7 जिलों में ही हॉलमार्किंग सेंटर बनाए गए हैं। इन व्यापारियों ने मांग की है कि सरकार प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में एक हॉलमार्किंग सेंटर बनाए, जिससे इन व्यापारियों को हॉलमार्किंग के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हो और माल की खरीदी बिक्री भी कर सके। खंडवा के व्यापारियों को ये समस्या आ रही है कि जो अनरजिस्टर्ड हम लोग हैं, अनरजिस्टर्ड मतलब हमारे वहाँ हॉलमार्क सेंटर नहीं है, हम एग्जेम्प्टेड सूची में हैं, तो यदि हमारे यहाँ का व्यापारी भी होलसेल मार्केट पर डिपेंड है, अब यहाँ लोकल का व्यापारी यदि वहाँ माल लेने जाता है तो उससे वहाँ का होलसेलर ये बोलता है कि क्या आप रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में तो रजिस्टर्ड हो गया है, वहाँ अनिवार्य हो चुका है, तो लोकल के व्यापारी को माल नहीं मिल रहा है। अब यदि वो लोकल में माल बनाता है और कस्टमर हॉलमार्क की डिमांड करता है, तो वो फिर वापस इंदौर उसको हॉलमार्किंग कराने जाना पड़ता है, तो एक हाथ में लड्डू आया और दूसरे हाथ से लड्डू चला गया, तो यहाँ का व्यापार भी बिल्कुल सीमित हो गया। लोकली माल ले रहे हैं, लोकली बना करके दे रहे हैं, कस्टमर यदि डिमांड करता है कि हॉलमार्किंग का माल दो, तो हम मजबूर हैं, जिनके पास हॉलमार्किंग का माल है वो तो बेच लेते हैं, जो बाकी 80-90% व्यापारी जिनके पास अनरजिस्टर्ड है वो अपना लोकली माल बना बना करके बेच रहे हैं, तो यहाँ भी व्यापार बिल्कुल है ना, ये स्थिति में आ गया है कि आप देखेंगे बाजार में जब कभी निरीक्षण करने आएंगे तो देखेंगे सन्नाटा पसरा पड़ा रहता है। ये विगत 1.5 महीने से यही स्थिति चली आ रही है। पूर्ण जो पुरजोर मांग हमारी यही है कि जब तक कि प्रत्येक ज़िले में या ज़िले के अनुसार 100 किलोमीटर के दायरे में यदि एक भी हॉलमार्क सेंटर खुल जाए, तो अभी मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, एक नया जिला 53 नागदा बन गया है, तो कम से कम 30 से 35 जिलों में यदि जब तक कि हॉलमार्किंग सेंटर, कई क्या नज़दीकी ज़िले हैं आसपास लगे हुए हैं जैसे खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, तो इन ज़िलों में जब तक कि हॉलमार्किंग सेंटर नहीं खुल जाते हैं, तब तक के लिए इनको हॉलमार्किंग का माल बेचने की परमिशन मिल जाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो हॉलमार्किंग का माल लेने इंदौर जाएंगे तो वो कम्प्लीट यूनिक आइडेंटिटी के साथ ही मिलना है, मतलब पूरा माल बिल में आना है, किसी प्रकार के कोई फर्जी काम की गुंजाइश नहीं रह जाती, तो ये सरकार को छूट दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि व्यापार भी सरल हो जाएगा और सरकार की जो मूल भावना है कि हर जिला तहसील में हॉलमार्किंग का माल बिके, वो बिकना प्रारंभ हो जाएगा और व्यापार भी सरल हो जाएगा, व्यापार भी चलने लगेगा, आने वाले त्योहारी सीजन में भी व्यापारी हंसी खुशी ये काम करने लगेगा।